और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता दें, जहां ग्रेनो प्राधिकरण के दफ्तर में आज किसानों का हल्ला बोल। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर। अधिग्रहण जमीन को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। कंपनियों में 50% रोजगार के आरक्षण की भी मांग है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर SSP समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर SSP समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। ग्रेनो प्राधिकरण के दफ्तर में आज किसानों का हल्ला बोल। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर। अधिग्रहण जमीन को लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कंपनियों में 50% की मांग भी की जा रही है। किसानों का हल्ला बोल, आपको बता दें आज किसान जो है वो अधिग्रहण जमीन को लेकर ये हल्ला बोल रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पर ग्रेनो प्राधिकरण के दफ्तर में आज किसान जो है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल पुलिस छावनी यहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। SSP भी यहाँ पर मौजूद है। तो अधिग्रहण जमीन की मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर एक किसान हल्ला बोल रहे हैं। कंपनी में 50% रोजगार के आरक्षण की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। SSP फिलहाल मौजूद है यहाँ पर। भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात है ग्रेनो प्राधिकरण के दफ्तर में आज ये हल्ला बोल किसानों की तरफ से, जहाँ पर किसान जो है जमीन अधिग्रहण की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 50% रोजगार के आरक्षण की मांग भी कंपनियों में की जा रही है। पवन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किसानों का अल्लाह बोला आज देखने को मिल रहा है ग्रेनो प्राधिकरण दफ्तर के बाहर, क्या स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, 11:30 बजे का वक्त किसानों ने दिया था और वो वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं। उससे पहले ही प्रिकॉशन के रूप में जो SSP नोएडा है वो खुद फोर्स लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर पहुंच गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसानों का जो प्रदर्शन हो किसी तरीके से हिंसक नहीं हो, और प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तरीके से जो पुलिस बल है वो मौके पर वहां पर लगाया गया है। अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार की मांग कर रहे हैं कि उनके जिस तरीके से उनको उनके साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने छल किया है उस पर वो ये हल्ला बोल पूरी तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो जमीन अधिग्रहण हुई है उनकी उस पर अतिरिक्त मुआवजा चाहिए उनको, और उस अतिरिक्त मुआवजे के साथ 10% आवासीय भूखंड और कंपनियों में 50% की रोजगार आरक्षण की मांग है। ये सारी मांगों को लेकर किसान अपने आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और इसीलिए किसान थोड़ी ही देर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे एक्स्ट्रा पुलिस बल के साथ पूरे इंतजाम किए ताकि किसी तरीके से कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो सके। बिल्कुल पवन, यहाँ पर चूंकि किसान लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद कितनी की जा रही है इनकी मांगे सुनी जाएंगी, क्योंकि फिलहाल भारी पुलिस फोर्स उनको रोकने के लिए भी तैनात यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त हम दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इनका प्रदर्शन था, इन्होंने एक दिन पहले ही पुलिस को और अथॉरिटीज को बताया था कि हम इस तरीके का अपना प्रदर्शन करेंगे, और करीब 2 दिन पहले एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके बाद किसानों ने ये कहा था कि ये आज के दिन, इन्होंने आज का दिन चुना था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कि यहाँ पर ही अपना प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने ये भी बताया था कि ये सांकेतिक था धरना प्रदर्शन, और अब जो होगा वो पूरी तरीके से उसमें कई हजार किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। आह्वान भी किया गया है किसानों को पहुंचने का, इसीलिए एहतियात के तौर पर ये देखा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि किसी तरीके की हिंसक झड़प या किसी तरीके का हिंसक आंदोलन ये ना हो, नॉर्मल आंदोलन के रूप में इसे किसान रखें और अपनी बातें रखकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने वो वापस लौट जाए। इसीलिए पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से चार चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल पवन, लेकिन अब लगातार ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि किसानों को मुआवजा तो मिल चुका है, लेकिन अब अतिरिक्त मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। ऐसे में कितनी सुनी जाएगी किसानों की मांग? हालांकि किसान प्रदर्शन तो करने उतर गए, इसके साथ साथ किसान अब ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कंपनियां उनमें भी 50% रोजगार का उन्हें कहीं ना कहीं हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए किसान जो है अपनी किसानों को मुआवजा अपनी जमीन का मिल चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सर्कल रेट बढ़े हैं, जिस तरीके से उनके जो जमीनें थी उसका दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से किसानों का यही कहना है कि हमें जो है उचित मुआवजा आज के समय से मिलना चाहिए, और आज के समय से उन्होंने कहा है जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, और हमें भागीदारी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए हमारे लोगों को नौकरियों में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके
किसानों से वादे किए जाते हैं कि जब उनके क्षेत्र में उनकी जमीन पर विकास होगा, रोजगार की भी नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, तो उनके लोगों को भी उसमें भागीदारी दी जाएगी और जो जिस काबिल होगा उसको नौकरी भी दी जाएगी। इन्हीं शर्तों पर किसान अपनी जमीन देता है, तो इन्हीं शर्तों की मांग को लेकर एक बार फिर किसान जो है फिर से आंदोलन करने के पूरी तरीके से मूड में है और थोड़ी देर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंचे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए पवन।